बाबूजी, कब आता है मनोरंजन? हम भी देखते हैं आपके साथ। चलो एक सेकंड, तुम यहाँ कर रही हो? चलो उठो, ये मेरी सीट है। आपका सीट है मतलब आपका नाम लिखा है? बस ऐसा ही समझ लो। चलो उठो फटाफट, मेरे पास टाइम नहीं है। का चल रहा है? क्या चल रहा है, मूवी चल रही है। वो हम कहाँ बैठे? कहाँ बैठे मतलब? आई एम रियली सॉरी रागिनी जी, वो क्या है ना कि बैल्कनी की सभी सीट्स फुल है। क्यों बाबा जी? तो अगर तुम मूवी देखना चाहती हो तो स्टॉल पूरा खाली है, आराम से अपनी जगह बनाओ और देखो। हम स्टॉल में बैठे काहे बैठे? और छोटे ठाकुर मिस्टर जी, थोड़ा अच्छा लगेगा कि स्टॉल में बैठे। हाँ चलिए उठिए आप। अरे, उठिए, हम बैठेंगे यहाँ पे, यहाँ बैठ के देखेंगे हम भी मूवी, ठीक है? नहीं, ये पॉपकॉर्न सिर्फ मेरे और बाबूजी के लिए, लीजिए खाइए। अरे पर मिस्टर जी, आप ऐसे काहे बोल रहे हैं? देखिए, आप ये चाहते हैं कि जो हमारे छोटे ठाकुर हैं वो बिना पाप कान के मनोरंजन देखे? अरे छोटे ठाकुर बुरा मान जाएंगे ना बाबूजी। अच्छा, छोटे ठाकुर बुरा मान जाएंगे? हाँ। तुम हर बार ये छोटे ठाकुर के कंधे पे बंदूक रख के क्यों चलाती हो? मैं जानता हूँ पॉपकॉर्न खाने का मन तुम्हारा है ना, और अगर तुम्हें पॉपकॉर्न खाने को मन है ना तो एक काम करो, जाओ किचन में जाओ और अपने लिए खुद से पॉपकॉर्न बनाओ और लेके आओ। क्या है ना, थोड़ा चलना फिरना भी हो जाएगा, तुम प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो, समझी? क्यों बाबूजी, सही बोला ना? देखा बाबूजी, मतलब आप भी मिस्टर जी के साथ शामिल, ठीक है? खुद ही जाएंगे और पॉपकॉर्न बनाएंगे, 2 मिनट में बन जाते हैं, समझे? अरे मेरी जान, मजाक कर रहा हूँ यार, लो पॉपकॉर्न खाओ। एक सेकंड, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाओ। सॉरी, खाओगी? अच्छा, ये पाप का नहीं खाने दे। सब का है बाबूजी? अरे ये तो हमारी कापी पेन है बाबूजी, और ये काम दिव्या बिटिया से मंगवाया है। तुम फिर से पढ़ाई शुरू करो, और अनुराग बेटा, रागिनी की कक्षा अब इसी कमरे में लगाना, इसके साथ साथ हम भी अपना पुराना पढ़ाई दोहरा लेंगे। क्या बात है बाबूजी, क्या बात लिखी है, परफेक्ट है। ठीक है बाबूजी, हम और आप मिलके साथ साथ पढ़ाई करेंगे, और लेकिन पहले मनोरंजन पूरा कर लेते हैं और साथ साथ पॉपकॉर्न भी खाएंगे। भाई चुप, कहाँ रह गए थे तुम्हारे? दामिनी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है वो? कहाँ मत बताए, चली गई हमेशा के लिए, छोड़ के चली गई। चली कहाँ? चली गई वो अपने घर, चली गई हमेशा के लिए। घर चली गई हमेशा के लिए? पर तुमने रोका नहीं उसको। आइए बताते हैं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, नाम से मैं सवार लूं। क्या बात है सवार, बड़े ललंटा मूड में लग रही हो। हाँ तुम कब आई? हम तो तुमने गाना शुरू की थी ना, हम तब से आए हुए। अच्छा चलो अपना गाना पूरा करो। अच्छा चलो, नहीं वो तो बस ऐसे हो या वैसे हो, लेकिन गाना जो है ना वो पूरा करना पड़ता है। रागिनी तुम कुछ खाओगी?
हम कुछ नहीं खाएंगे। सबसे पहले हम तुम्हारा गाना सुनेंगे और उसके बाद ये भी सुनेंगे कि तुम्हारा मूड इतना अच्छा क्यों है। अरे बताओ ना तुम क्या खाओगी, हम अभी बना देते हैं। तुम बस बोलो, हम फटफट बना देते हैं। क्या बनाओगी? झटपट से वो क्या कहते हैं, वो एकदम लल्लन टाप वाला बेवकूफ। हाँ हमें काम करने दो ना, देखो कितना काम है। अच्छा काम, परेशान मत करो, काम करो, काम करो, करो काम, करो करो करो। अब क्या कर रही हो? करो 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 रागिनी, क्या जल्दी से बताओ क्या बात है। बता रहे हैं, बताओ। हाँ अब हमको बताओ क्या बात है। बैठ जाइए। हमको नहीं पीना ये पानी वानी, हमको ही बताओ कि क्या बात है। हमारा दिल बैठा जा रहा है, बोलो। माँ जी हम आपके गुनहगार हैं, आपको जो वादा किए थे हम निभा नहीं पाए। हम मैडम जी और हम कहा तुम और सृष्टि, हमको बताओ क्या हुआ है बैजू। हमको फोन किए हूं जी, हमें हमें दर्द हो रहा है, छोड़िए हमारा हाथ। माँ जी हम दामिनी से शादी नहीं कर पाए। आई लव यू बैजू, आई लव यू। हमने आई लव यू बोल दिया, बोल दिया। हम तो ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए कि हमें होश ही नहीं था, हमें यकीन ही नहीं हुआ कि हम खुद ब खुद सब चीजें बोलने जा रहे थे। और हम जाके ना ये सब कुछ बोलती मैडम जी को कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, कितना का बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर अम्मा जी आप हमको अपना बेटा मानती है ना, बेटा बोलती हैं आप हमको, बेटे की ये गलती माफ कर दीजिए। उसको बोला तो बैजू, फिर तुम्हें कहा बोला? हाँ। उसने कहा कि हाँ जल्दी बताओ कि ये पूरा पानी जो है ना तुम्हें उडेल देंगे और साथ में जो है ना साबुन और सोडा भी डाल देंगे। अरे एक मिनट बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। उसने कहा कि सवार लो सवार लो सवार लो सवार। अरे हमारा हमारे छोटे ठाकुर को कुछ नहीं होगा। अच्छा सारे गाना हमारे साथ ही गाओगे क्या? जा जा तुम्हारा बैजी जो है तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और हमें तो लग रहा है आज कुछ स्पेशल धमाका होने वाला है। जाओ 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 जाओ, बाय बाय। सवार हाँ अपने मिस्टर जी को जाके सवारते हैं। कहते हैं प्यार की ताकत से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती, लेकिन सृष्टि को तो मैंने आज तक सिर्फ अपना हक ही जताया है, प्यार का इजहार तो कभी किया ही नहीं है। खैर जो आज तक नहीं किया वो मैं अब करूंगा। आप मैं आपका ही वेट कर रहा था। मां आपको पता है मैंने ना एक सृष्टि के लिए ना एक स्पेशल सरप्राइज तैयार किया है। आप देखना सृष्टि है ना उसे देखकर मेरा प्यार ठुकरा ही नहीं पाएगी।
बेसो आओ बैठो यहाँ। मैं अभी नहीं बैठूंगा, मैं आपके साथ बैठूंगा, आराम से बैठूंगा और सारी बातें सुनूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। अभी है ना, जो मैंने सरप्राइज तैयार किया ना शशि के लिए, मुझे उसे वो दिखाना है, वो देख कर है ना उसे खुश हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मेरा दिल कहता है कि उसे है ना मुझसे फिर से प्यार हो जाएगा। आप यहीं रुको, मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है माँ? ये कैसा खेला खेल रहा हूँ बिसु के साथ। सब कहते हैं कि आप ना जो कुछ भी करते हो सबका भलाई के लिए करते, इसमें कहाँ भलाई छुपाया मार बिसु का। मिस्टर जी एक बार आइए ना, देखो जो अटक गए हैं हम इस पे। क्या है बताओ? ये दो बार का ही लिखा है। ये दो बार? अनुराग बाबू, बंटी बाबू जी, अरे अनुराग बाबू, आप इस समय बच्चे का नाम रखने आए हैं इस समय? अरे अभी बेबी में बहुत टाइम है। अरे बहुत टाइम है मैंने, बड़की भौजी तुम तो पढ़ा लिखा लो, अब तुम सुनबे की होगी काल करे सो आज कर, हम तो सोचे कि अभी ये कर लेते हैं। हम नामों सोच लिए हैं, हम सोचे हैं कि अगर लड़का होगा तो बौरा नाम रखेंगे और लड़की होगी तो बौरिया। बौरा और बौरिया, हम अपने बौरा भौरिया बुलाएंगे तो खुद नहीं बौरा जाएंगे, ये का नाम सोचिए दुलारी दीदी। आप तुमको नहीं पसंद पड़ रहा है तो हमें गुआरो सोच ले हैं। हम सोचे हैं कि अब लड़का होगा तब बसंत और लड़की होगी तब बसंती है। कितना निमन होता है बसंत, मौसम कितना अच्छा, अब ना निमन लग रहा था लाला लाली भी बुला सकते हैं। लाला लाला लाली, हाँ, लाला ये कैसा नाम है, इतना अच्छा अच्छा नाम आप कहाँ से ढूंढ के लाई है, आप कहाँ इतना मेहनत कर रही है, हम भी बहुत अच्छा अच्छा नाम सोचे हैं। काहे मतलब, हम पूरा है, पूरा का हाथ होता है, हम ना करेंगे तो क्या करेंगे। लाला लाली और ये सब नाम थोड़ी ना अच्छे लगते हैं। मेरी बात सुनो, अभी बेबी में बहुत टाइम है, आराम से कोई अच्छा सा नाम सोचेगा वो रखिएगा। हाँ, ये गब्बर वब्बर सांभा ये सब नाम नहीं रखने हमको अपने बच्चों के। हाँ बहुत टाइम है अभी का, आप इतना दिमाग लगा रहे हैं। बड़की भौजी तुम सुनो ना, हम एगो नाम सोच ले हैं, लड़का का नाम कमल, लड़की का नाम कमली। कितना नया गानों में है कमली, बुक में से नाम लेके पढ़ रही है क्या? कौन है ये वाहियात बुक, दिखाइए तो कौन बनाते हैं। देख लो बाकी, तुमको नहीं पसंद पड़ेगा तो हमको कहना, हम एक बार नाम सोच रहे हैं तुमको। ये बुक में गाय और भैंसों के नाम लिखे हुए हैं, गाय और भैंसों के नाम है इस बुक में, इंसानों के नाम नहीं है। दुलारी दीदी आप जानवरों की किताब से हमारे छोटे ठाकुर का नाम रखेंगी, आपको कोनो इंसानों का बुक नहीं मिला पढ़ने के लिए? हाँ बड़की भौजी हमारे पास ये किताब था, हम एक में से खोज लिए, काहे कि टाइम नहीं है हमारे पास। निम्न नाम है बाकी कमली, हमको तो बहुत अच्छा लगा। ये क्या वाहियात बुक है, पर ऐसी वाहियात बुक लिखता कौन है, इनको खरीदता कौन है? अब हमारा और कौन खरीदेगा, हमारी दुलारी दीदी ना खरीदती है ऐसी किताब। आप एक काम कीजिए दुलारी दीदी, इसको रखिए, आप एक काम कीजिए, आप जाके मुर्गी और बतख के नाम वाली जो बुक होती है ना वो लेके आइए, नहीं तो वो घोड़ा या गधे वाले जो नाम की बुक होती है वो लेके आइए, इसमें कोई अच्छा नाम नहीं मिल रहा, उनमें हम अच्छा नाम ढूंढेंगे। अब बकरी वाला किताब है हमारे पास है, अब बाकी मुर्गा मुर्गी वाला ना है, हम मंगाते हैं किताब। हाँ, आप जाइए जाइए जल्दी से।
I love you, Shishti. And I know you love me too. बस एक बार अपने मुंह से कह दो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो. ये 3 मैजिकल वर्ड सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं. सृष्टि, तुम चुप क्यों हो? बोलो ना, एक बार कह दो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो. मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो. तुम एक बार बोल दो ना सृष्टि, बताओ ना कि तुम भी मेरे बिना नहीं जी सकती. जितना प्यार मैं करता हूँ तुमसे, तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो. सृष्टि बोलो ना, आई लव यू. बोलो ना, प्लीज बोलो ना. ऐसे चुप मत रहो सृष्टि, कुछ तो कहो ना. कहो ना कि यू लव मी. बोल दो. आई लव बैजू. हम बैजू से प्यार करते हैं, आपसे नहीं. क्या क्या कहा तुमने? हम बैजू से प्यार करते हैं विशु जी, सिर्फ और सिर्फ बैजू से. सुना आपने? हाँ. आपने सही सुना है मैडम जी, सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार करती हैं, सिर्फ हमसे. और हम मैडम जी को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं.